टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पावर ट्रांसमिशन ओवर ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक लॉसलेस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लाइन को। जो आपका पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है, इट इज कैरेक्टराइज बाय इट्स सीरीज रेजिस्टेंस आर, शंट कंडक्टेंस जी, सीरीज इंडक्टेंस एल एंड शंट कंडक्टेंस सी। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होता है ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, ये कैसे बिहेव करेगी, इसको हम जनरली इसको गवर्न करता है द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पैरामीटर। जो आपके पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पैरामीटर्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिशन लॉसेस। लॉसेस जो होते हैं वो इन पैरामीटर्स की वजह से होते हैं। अगर आपको पावर ट्रांसमिशन के कोई भी रिलेशनशिप्स डिराइव करने हैं, तो आप सिंपल आप क्योंकि आपका पावर जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, बट आप जो ये पावर ट्रांसमिशन की इक्वेशंस होती हैं, इसे आप निकाल सकते हैं यूजिंग ए सिंपल टू मशीन मॉडल। सो यू कैन डू दिस बाय अ सिंपल टू मशीन मॉडल। टू मशीन मॉडल में आपके पास एक सेंडिंग एंड जनरेटर होगा और एक रिसीविंग एंड जनरेटर होगा, और ये दोनों कनेक्टेड होंगे बाय अ ट्रांसमिशन लाइन। सो फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, आपको लेना पड़ेगा द मॉडल ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज योर सेंडिंग एंड जनरेटर, दिस इज योर रिसीविंग एंड जनरेटर, एंड दिस इज कनेक्टेड बाय अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हियर वी हैव निग्लेक्टेड द आर एंड जी पैरामीटर्स। जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं, द फंडामेंटल इक्वेशंस गवर्निंग द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी along the line are the following wave equations. तो पावर सिस्टम्स में आपने ये टॉपिक, ये वाला, ये इक्वेशंस पहले ही डिराइव करी होंगी। तो जो फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं, जो गवर्न करती हैं प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी अलोंग ए लाइन, वो होती हैं वेव इक्वेशंस। और वेव इक्वेशंस आपकी ये दो एक वेव इक्वेशंस होती हैं, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई इंटू वी, एंड योर डेल स्क्वायर आई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वाई इंटू आई, जहां पर आपका जो जेड होता है दिस इज इक्वल टू आर प्लस जी ओमेगा एल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, एंड योर वाई इज इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस जी ओमेगा सी, वेयर जी इज योर कंडक्टेंस शंट कंडक्टेंस एंड सी इज योर कैपेसिटेंस। ये जो आपकी वेव इक्वेशंस हैं, फॉर अ लॉसलेस लाइन, इनकी जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा फॉर अ लॉसलेस लाइन, द सॉल्यूशन ऑफ general equations will be so ye jo aapki do equations equation 1 and equation 2 inke jo solutions honge that will be v of x is equal to Vs cos of beta x minus j z dot I naught sine of beta x. Let this be your equation 3. I of x will be equal to I of s cos beta x
माइनस जे वी एस अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा एक्स. तो ये सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर फॉलोइंग वेव इक्वेशंस. यहां पे योर जेड नॉट, दिस इज कॉल्ड सर्ज इंपेडेंस. सर्ज इंपेडेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस भी कहते हैं. And this is given by under root of L by C. Beta x, this is equal to omega under root LC radians. This is the electrical length of the line. Electrical length of the line. So, ये जो हमने यहाँ पे ये मॉडल लिया ऑफ ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें एक सेंडिंग एंड जनरेटर है, एक रिसीविंग एंड जनरेटर है. द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज वीएस एट एन एंगल ऑफ जीरो, द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज वीआर एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा. और जो ये ट्रांसमिशन लाइन है इसकी लेंथ है ए किलोमीटर्स. सो यहां से लेट द लाइन बी 1 किलोमीटर लॉन्ग. सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी इंटू ए रेडियंस. जो ये आपकी इक्वेशंस हैं, इनसे आप वोल्टेज एंड करंट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हो. सो योर वोल्टेज एंड करंट, योर वोल्टेज एंड करंट एट x इक्वल टू a विल बी, सो व्हेन दिस डिस्टेंस x is equal to a kilometers, so your voltage will be Vr and your current will be Ir. So from equation 3 and 4, से पहले के वोल्टेज एंड करंट एट x इक्वल टू a विल बी योर वोल्टेज v ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू vr, एंड योर i ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू ir. सो जबकि vr की इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज v R, this will be Vs cos of beta. आपका जो x है distance है that is a, so this will be Vs cos of beta a minus j z not I not sin of beta a. So your Vr, this will be equal to Vs cos of beta a minus z not
आई एस साइन ऑफ बीटा है. सो लेट दिस बी योर इक्वेशन. And in terms of current, your IR will be equal to IS cos of beta A minus J VS upon Z naught sine of beta A. ये होगी आपकी इक्वेशन सिक्स्थ. आप इसमें क्या करिए, यू टेक इक्वेशन फाइव योर जे जेड नॉट आई एस साइन ऑफ बीटा ए किसके बराबर होगी. इसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया तो इसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो. वोल्टेज वाली क्वांटिटीज को आप राइट साइड पे ले लो. दिस विल बी वी एस कॉस ऑफ बीटा ए माइनस वी आर. यहां से आप सेंडिंग एंड करंट का वैल्यू निकाल सकते हो. योर आई एस विल बी इक्वल टू वी एस कॉस ऑफ बीटा ए माइनस वी आर अपॉन जे जेड नॉट साइन बीटा ए. लेट दिस बी योर इक्वेशन सेवेंथ. नाउ वी नो दैट सिंस अवर वी आर दिस इज इक्वल टू वी आर एट एन एंगल ऑफ माइनस डेल्टा. आप इसको लिख सकते हो एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस जे वी आर साइन ऑफ डेल्टा. अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी होती है एक्स एट एन एंगल ऑफ थीटा, यू कैन राइट इट एज एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा. और अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो दिस प्लस साइन विल बी रिप्लेस बाय minus sign. So we know that our VR that is equal to VR at an angle of minus delta. So this will be equal to VR cos of delta minus J VR sine of delta. So from equation 7, this is your equation 7. Your IS, this will be equal to VS cos of beta a minus आपका vr था तो vr की जगह पे आप ये वाले values substitute कर दो. So this will become vr so this is your vs cos of beta a minus VR cos of delta plus J VR sine of delta upon J Z naught sine of beta A. हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपली आपकी VR और IR की इक्वेशंस आई थी. फिफ्थ इक्वेशन से हमने आईएस का वैल्यू निकाला. हमें पता है कि वीआर इसके बराबर होता है. इस आईएस वाली इक्वेशन में हमने बस वीआर का वैल्यू पुट कर दिया. तो यहां से योर आईएस दिस विल बी इक्वल टू, आप जे वाली क्वांटिटीज को यहां ले आओ. दिस जे, ये जो आपका ये जे है, जब ये ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस जे. So this will be minus J VS
cos of beta a, this will become plus j vr cos of delta, ये यहां पे बन जाएगा माइनस जे स्क्वायर, और माइनस जे स्क्वायर होता है प्लस, होता है बराबर प्लस वन के. सो दिस विल बिकम वी आर साइन ऑफ डेल्टा. जे को हम ऊपर ले गए थे तो दिस विल बी जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए. या इमेजिनरी क्वांटिटीज और रियल क्वांटिटीज को आप अलग कर दो. सो यू विल बी हैविंग योर वी आर साइन ऑफ डेल्टा प्लस जे वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी एस कॉस ऑफ बीटा ए अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए. तो ये है आपकी सेंडिंग एंड करंट का वैल्यू. अब हम चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड. हमने पावर ट्रांसमिट किया है वो किसके बराबर होता है? सेंडिंग एंड पावर जो होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पावर. So this will be equal to the real part and the complex part. एक real part होगा और एक reactive. आपका part एक active part है और एक reactive part है. And this is given by, जो आपका complex power होता है, this is given by Vs sending end voltage into conjugate of sending end current. Vs into conjugate of sending end current. So the power transmitted, this will be equal to Vs को आप ऐसे ही रखिए और Is के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. So this will be Vs into Vr sin of delta minus J Vs Vr cos of delta प्लस जे वी स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा ए अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए. तो जब आप यहां पे कंजुगेट लेंगे तो दिस विल बिकम, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा. इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है माइनस जे वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा और यहां पे प्लस जे वी एस स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा ए. तो यहां से योर सेंडिंग एंड पावर, दिस विल बी इक्वल टू वी एस वी आर साइन ऑफ डेल्टा अपॉन जेड नॉट साइन बीटा ए माइनस जे टाइम्स वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी एस स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा ए अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए. तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ऑफ सेंडिंग एंड, जो आपने जो पावर आपने ट्रांसमिट किया हुआ है. तो यहां से आप देखेंगे दो कंपोनेंट्स है, एक रियल कंपोनेंट है और एक एक ये आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है. सो द रियल कंपोनेंट पी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू वी एस वी आर साइन ऑफ डेल्टा जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए, इसके बराबर होगा. Let this be your equation 9.
रिएक्टिव कंपोनेंट है, दिस विल बी इक्वल टू वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी एस स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा ए अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए। लेट दिस बी इक्वेशन 10th। एक इक्वेशन ये आ रही है और आपकी दूसरी इक्वेशन ये आ रही है, तो ये तो आपके सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पावर्स की इक्वेशन आई, सॉरी योर सेंडिंग एंड एंड जो आपका सेंडिंग एंड एक्टिव कंपोनेंट है और सेंडिंग एंड रिएक्टिव कंपोनेंट है। सिमिलरली जो आपका रिसीविंग एंड कंपोनेंट होगा योर पी आर, दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू वी एस वी आर साइन ऑफ डेल्टा अपॉन जेड नॉट साइन बीटा ए, एंड योर क्यू आर दिस विल बी इक्वल टू वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर स्क्वेयर कॉस ऑफ बीटा ए अपॉन जेड नॉट साइन ऑफ बीटा ए। दिस इज योर इक्वेशन 11 एंड दिस इज योर इक्वेशन 12। तो ये जो है आपके दीज आर योर रिसीविंग एंड रियल पावर एंड योर रिएक्टिव पावर। यहां पर आपका वी एस स्क्वायर है और यहां पे आपका वी आर स्क्वायर है। फॉर ये सब वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ये इक्वेशंस हैं जो आपके पावर ट्रांसफर को गवर्न करती है। योर पी एस इज इक्वल टू वी एस वी आर साइन ऑफ डेल्टा जेड नॉट साइन बीटा ए, योर क्यू एस इज इक्वल टू वी एस वी आर कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी एस स्क्वायर कॉस बीटा ए जेड नॉट साइन बीटा ए। सिमिलरली ये रिसीविंग एंड साइड की इक्वेशंस हैं, ये सब इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, फॉर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग योर पावर इज गिवन बाय वी नॉट स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, जहां पर जेड नॉट इज योर सर्ज इंपीडेंस, इसके बारे में आपको बोला था दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में क्या होता है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, दिस इज योर जनरेटर, दिस इज योर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और यहाँ पे आपका लोड होता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस कैपेसिटर वो फुलफिल करेगा ये इंडक्टर, और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ऑफ इंडक्टर दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द कैपेसिटर। तो यहां पर क्या होता है जो आपकी लाइन होती है इफेक्टिवली ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं, तो आपके पास मिलता है एक यूनिटी पावर फैक्टर। और जो ऐसी लोडिंग होती है इसे हम बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सो इफ योर लोडिंग दिस इज इक्वल टू योर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग,